वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेजरिंग करिए। जिसमें आज हमने मंगाया है एक नेक बैंड, जॉक का मैंने नेक बैंड मंगाया है और आपको दिखाएंगे इसके अनबॉक्सिंग करके और कैसा क्वालिटी है और कैसा इसका क्या नाम है, इसकी आवाज़ कैसी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी आवाज़ कैसी चली। जिसमें अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हुए अपन खाते हैं। ये देखिए, ये पैकिंग है अमेजोन की, उसके अंदर एक बड़ा सा डिब्बा। ये लोग वेस्ट बहुत करते हैं सामान। देखिए, पन्नी थी तो डिब्बा क्यों दिया, और डिब्बा था तो पन्नी क्यों दिया, समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, डिब्बा तो था ये, इसके बाद चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कैसा है ये इसका प्रोडक्ट, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। डिब्बा खोलते हैं, डिब्बा खोलने के लिए हमें चाहिए एक चाकू, चाकू नहीं तो पेन सही। चलिए पेन से खोलते हैं, और ये देखिए खुल गई, खोलने की मिला टेक्निक है ये, इससे खुल जाता आराम से कुछ भी हो। चलिए साइड में खोलते हैं इसके। ये देखिए स्टोरी बॉक्स बिल्कुल ठीक और सही कंडीशन में है। इसमें आप और आपको बता दें इसका प्राइस है 599, और ये लोकल मार्केट में हमको करीब 400 रुपये का मिल जाएगा। हम आपको दिखाया था ऑनलाइन मंगा कर। और इसमें देखते हैं, देखिए डिब्बा, पहले तो पन्नी, उसके अंदर डिब्बा, उसके अंदर कागज। ठीक है, नेचर बचा रहे हैं ये लोग, इससे नेचर को कोई भी हानि नहीं होती इतने कागज़ देने से, क्योंकि कागज़ तो उग जाएगा दोबारा। ये देखिए काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट मिला है इतने बड़े बॉक्स में, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा नेचर बचा रहे हैं। चलिए मिल गया हमको नेक बैंड, इसको देखते हैं, इसकी कुछ जानकारी इसमें लिखी हुई डिटेल वगैरह, और उसके अंदर प्रोडक्ट है इसकी सलामत। चलिए आगे देखते हैं इसमें, और एक बिल निकलेगा इसमें हमेशा की तरह, और बिल आपको दिखाएंगे इसमें, इसमें बिल आपको दिखाएंगे, लेकिन नहीं दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए छोड़ दे रहे, इसको दिखाते हैं अब आपके, इसको इसके ऊपर पॉलीथीन लगी हुई है, और इसको निकालते हैं। कितनी ज़्यादा पैकिंग थी आपने देखी, पन्नी, इसके ऊपर डिब्बा, और उसके अंदर कागज़ के अंदर पन्नी, और कुछ डिटेल लिखी इसमें। देखिए हम आकर दिखाते हैं आपको, कुछ ब्लूटूथ वर्जन वगैरह, 5.0 ब्लूटूथ वर्जन है इसका, और 2.5 घंटे इसको चार्जिंग टाइम लगता है फुल चार्ज होने में, और इसका 8 घंटे का टाइम है, और 20 ग्राम इसका वजन है मुश्किल से। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं, बाकी इसमें प्राइस रहा है कुछ, बाकी चीज़ फालतू। देखिए यहाँ आपको दिखा दें, वर्जन नेक बैंड है ये डुअल पेयरिंग के साथ आता है, और वॉइस आप गूगल कमांड दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, और बार्टर रजिस्टर है, आप फोन कर सकते हैं, और इसमें एंड में इसके टैप पर जहाँ स्पीकर लगा होता है वहाँ पर एक मैगनेट दी गई है, और 13 घंटे का बैकअप है इसका। और देखिए चलिए आगे दिखाते हैं, इसके सील पैक है पूरा, और सील पैक होना चाहिए ज़रूरी। चलिए इसके सील निकालते हैं, काट डालते हैं, काटने के लिए हमारे पास ब्लेड नहीं है इसलिए हम इसका यूज करेंगे हाथ का। चलिए गए देखिए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट डिब्बे के अंदर क्या है, डिब्बे के अंदर हुआ कुछ भी नहीं। ये देखिए इसकी व्यू मैनुअल, और व्यू मैनुअल में क्या मिला है हमको उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये चार्जिंग केबल, माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी। ये देखिए इसकी लेंथ करीब 1 फुट है, 1.5 फुट है, और ये देखिए प्रोडक्ट, इसके निकलते हैं बाहर, और भी हम, ये देखिए इसके एयरबड्स, इसमें एयरबड्स मिले हैं हमको 4 पीस मिलते हैं, एक मीडियम साइज, एक लार्ज और एक स्मॉल, 3 होते हैं, एक उसमें लगे होते हैं पहले से। और इसमें देखिए ये देखिए निकले ये प्रोडक्ट, और हमने आपके हमारे चैनल पर और भी वीडियो पड़ी हुई है ब्लूटूथ नेक बैंड के बारे में। ये देखिए इसमें हमने बूट का भी अनबॉक्सिंग की थी, बूट के 2 प्रोडक्ट लिए थे, और वही और भी किए थे, आपको अगर देखना है तो आप देख लीजिए चैनल जाकर। चलिए इसको देखते हैं, जब तक इसमें हमारा ये चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ से चार्ज होता है। ये देखिए माइक्रो यूएसबी, बाकी 3 बटन दिए हैं, एक साइड में बैटरी होगी सिंपल सी बात है, और एक साइड में कंट्रोलर पैनल होगा जो भी कंट्रोल करता है इसका ब्लूटूथ वगैरह, और इसको ऑन करके चलिए हम आपको दिखाएंगे ऑन करके कि ऑन होने के लिए। देखिए ब्लू लाइट जल रही है आपको दिखाएंगे, और इसको 3 सेकंड बटन दबाया जाता है, 3 से 5 सेकंड तक बीच में दबाएंगे आप। चलिए इसको हम दिखाएंगे आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, कनेक्ट करने के लिए चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो ऑन करना होगा, ठीक है, इसके लिए 5 सेकंड बटन दबाना होगा, होल्ड पर रखना होगा, और ये ऑन हो जाएगा।
देखिए ऑन हो गया और लाइट जल जाएगी इसकी, देखिए लाइट जल गई और ये पेयरिंग मोड में चला गया। अब इसको पेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा, ब्लूटूथ सेटिंग में जाना होगा। ये देखिए सेटिंग में जाएंगे आप और न्यू डिवाइस सर्च पर क्लिक करेंगे, डिवाइस सर्च होगी जो देखिए इसके पैर पे क्लिक करेंगे और पैर पे क्लिक करने के बाद में देखिए परमिशन मांगेंगे कॉल हिस्ट्री देने की, ताकि आप कॉल जैसे बटन दबाएंगे तो कॉल हो सकते हैं, इसलिए हिस्ट्री की मांगता है। बाकी कनेक्ट हो चुका है, 70% बैटरी बैकअप दिखा देता हूँ और 11 घंटे लिखे हुए 50% वॉल्यूम पे चलाएंगे तो इसकी गारंटी चलेगी। चलिए इसका साउंड चेक कराते हैं आपको, देखिए इसका सैंपल हम आपको दिखाते हैं। टाइम इसका आपको सुनाई दे रहा है, ये देखिए माइक लगा लिया हमने, काफ़ी अच्छा साउंड लगा है, आवाज़ तो उसकी सही है और लेकिन उससे अच्छी नहीं है, बूट से अच्छी नहीं है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल पर और भी वीडियो पढ़िए, आप देखिए इससे जुड़ी हुई और काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई है, आपको पसंद आएगी और अगर आपको शेयर भी कीजिए इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।